हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आज सीखते हैं पेपर पर सिंपल बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उसके लिए दिल से थैंक यू। फ्रेंड, जब हम ब्लाउज की कटिंग करना सीखते हैं तो हमें पहले पेपर से ही सीखना चाहिए, जिससे हमारा कपड़ा ख़राब नहीं होता है। और पेपर पर तो हम बार बार कटिंग करके सीख सकते हैं। जब हम पेपर पर कटिंग अच्छे से आ जाती है तभी ही हमें अपने कपड़े पर कटिंग करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड सीखते हैं। पहले हम काटेंगे फ्रंट पार्ट, बाद में बैक पार्ट की कटिंग बताएंगे। तो हमें फुल लंबाई रखनी है 14 इंच, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है। तो हमने जो एक्स्ट्रा निशान लगाया है 2 इंच, वहीं से हम इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद हम वहीं से कटिंग करेंगे। फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करें, और बहुत अच्छे से बताऊंगी, अच्छे से भी समझ में आएगा। तो चलिए अब करते हैं कटिंग यहाँ से। तो चलिए इसे यहाँ से हम घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद सबसे पहले हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो हम पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट रखना है हमें 9 इंच। अभी देखिए हमने 9 इंच पे लगाया है, और ये हमें हुक और हाई के लिए इतना कपड़ा छोड़ना है। तो अब यहाँ से हम छोड़ के दिखाते हैं, इतना हमारा बढ़ गया है। और जब हम ये थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हैं आगे, जो हुक और हाई की पट्टी के लिए, इससे हमारा गला बहुत ही सुंदर बनता है। जब कपड़े पे कटिंग करें तो इस तरह से ही कटिंग करना चाहिए। तो हमने चेस्ट का निशान लगा लिया है, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब इन निशानों को हम सीधा करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमें कंधे का निशान लगाना है। कंधे का भी निशान हमें इतना छोड़ के ही लगाना है। यहाँ से हमें 5 इंच पे निशान लगा लिया है, और यहाँ से 2 इंच पे गला हम 2 इंच का इसलिए रखते हैं जिससे हमारे कंधे बिल्कुल नहीं उतरते हैं। इसी तरह से हम कटिंग कपड़े पर करते हैं। तो आगे का गला है हमारा 6 इंच की गहराई दी है हमने। तो चलिए पहले इसको हम सीधा करते हैं यहाँ से। सीधा कर लेते हैं। चलिए अब देते हैं गले की गहराई। गले की गहराई दी हमने 2.5 इंच। जब नीचे से हम गले की 2.5 इंच की गहराई देते हैं तो हमारा गला बहुत सुंदर बनता है, और कंधे हमारे बिल्कुल उतरते नहीं हैं। अब यहाँ से देना है हमें आर्म होल है 5.5 इंच। यहाँ पे भी हम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसको सीधा कर लेना है। ये हो गया है यहाँ से, और यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी हम सीधा करेंगे इसे। और इसे भी सीधा कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देंगे। यहाँ से भी हमने सीधा कर लिया है। तो ये निशान हमारे लग गए हैं एकदम फिट, परफेक्ट। और ये हमने गले की गहराई दी है। थोड़ा अच्छा सा शेप देना है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा गला, ये हो गया है आगे का हमने 1 इंच पे लगाया है। कम भी लगा सकते हैं, 1.25 इंच पे भी सही रहता है। 1 इंच पे इसलिए लगाया है, जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा 1.25 इंच आ जाएगा। अब हमें टक्स का निशान लगाना है 12 इंच, और यहाँ पे भी 12 इंच पट्टी का, यहाँ पे भी 12 है। और इसको हम सीधा करेंगे। 1 इंच हमने ऊपर लगाया है, इसको यहाँ से सिप देना है। पहले इसको सीधा कर लेना है पूरे तक। यहाँ तक सीधा हो गया है, और जो 1 इंच है ये हमारे बहुत ही अच्छा शेप आता है। यहाँ से 1 इंच ऊंचाई से लगाते हैं नीचे से।
तो अब यहाँ से लगाना है हमें, टक डालेंगे अब 2 इंच पे, यहाँ से 2.5 इंच की गहराई दी है हमने। अब हमें 2-2 इंच की स्पेस से हमें सारे टक्स डाल लेना है, यहाँ से 4 इंच पे, इसकी ऊंचाई है 2 इंच। देखिए, और 2 इंच का स्पेस दिया है इसमें, यहाँ पे भी हम 2 इंच का ही स्पेस देंगे। और यहाँ पे भी 2 इंच का स्पेस देंगे। इनको अब सीधा कर लेंगे। जब हम कपड़े पे निशान लगाएंगे तो इसी तरह से निशान लगाएंगे, एकदम फिट आएंगे। तो इस तरह से हमने टक्स डाल लिए सारे, बहुत ही अच्छे पड़े हैं एकदम। नीचे वाला टक्स है, इसको हमें जब सिलाई लगाएंगे कपड़े पर कटिंग करने के बाद, तो इसको चौड़ा डालना है थोड़ा सा, चौड़े से बहुत ही सुंदर शेप आती है नीचे से। और बाकी सब सही डालनी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं डालनी है। इसे भी इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, एक बार नाप लेते हैं। देखो पूरे 14 है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा तुरपाई के लिए है। इसको हम अंदर पलटेंगे जब कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो इसकी हमें तुरपाई करना है। इस तरह से दिखा रहे हैं, एक बार पलट के अंदर, इतना तो हमारा पलटा जाएगा तुरपाई में। तो हो गई है हमारे आगे के पार्ट की कटिंग, एकदम फिट है 14 इंच। अब हम कटिंग करेंगे फटाफट। तो हो गई है कटिंग हमारे आगे के पार्ट। अब हम बैक पार्ट काटेंगे। तो बहुत सरल है फ्रेंड सादा ब्लाउज की कटिंग करना, पेपर पर जरूर सीखें एक बार ट्राई करके। तो हमारा ये बैक पार्ट है, इसकी ऊंचाई है 14 इंच, जितना हमने आगे का रखा उतना ही हमारा पीछे का है, एकदम बराबर है। अब इसको हम काट लेते हैं यहाँ से, और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी हम आस्तीने, हमें अभी निकालना है, आस्तीन की भी कटिंग बताएंगे। तो हमने इस तरह से रख लिया है, जो आगे के पार्ट थे हमारे उनको हमने रख लिया इस पेपर के ऊपर। अब इसके हिसाब से हम निशान लगा लेंगे सारे। अब हमें निशान लगा लेना है ऐसे करके हल्के हल्के हाथ से चारों तरफ। गला हमें गहरा रखना है पीछे का, अभी तो हमने जैसा हमारा आगे का था उसी के हिसाब से निशान लगा लिए हैं। गले पीछे का तो हम अपने हिसाब से रखेंगे। गला है हमारा पीछे का 10 इंच, और हम इसकी गहराई देंगे 2.5 इंच, जितना हमने आगे का रखा है उतना ही हमने पीछे का रखा है। अब इसको एक अच्छा सा बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने से ये होता है कि हमारा गला एकदम बराबर रहता है, बहुत ही अच्छा ढाल आ जाता है इस तरह से। तो हम करते हैं इसकी कटिंग। तो ये हो गया है हमारा बैक पार्ट। तो चलिए अब निकालते हैं आस्तीन। आस्तीन की भी कटिंग दिखाना बहुत ज़रूरी है, पट्टी तो सामने की सीधी सीधी होती है। तो चलिए, ये हमारी आस्तीन है 5 इंच की, 5 इंच की हमें आस्तीन रखना है। जब हमने आर्म होल की गहराई दी थी 5.5, तो यहाँ पे एक हमें 5.5 पे निशान लगा लेना है, और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। ये 5.5 हो गया है, 7.5,
अब इसे भी हम सीधा कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे। मोहरी है हमारी 6 इंच, तो हमें मोहरी का निशान लगा लेना है 6 इंच पे। और इसे स्केल से हम सीधा कर लेंगे। आस्तीन की कटिंग बहुत ही सरल है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से सीधा लेंगे। सीधा लेने के बाद अब हमें इस तरह से ढाल देना है। तो आस्तीन की कटिंग बहुत ही सरल है। जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हम करते हैं अपने आस्तीन की कटिंग और ब्लाउज की कटिंग। फ्रेंड, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ से हमें 1/2 इंच काट देने हैं क्योंकि ये आगे की साइड रहता है, तो यहाँ पे ढाल देना बहुत ज़रूरी है। 1/2 इंच हमने काटा है और 1/2 इंच हमारा सिलाई में लग जाएगा जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम करते हैं आस्तीन की कटिंग। इसकी नाप इसको रख लिया हमने इसके ऊपर। अब यहाँ से भी हम इसको काट देंगे तो हमारी दोनों आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। फ्रेंड, तो चलिए इस तरह से हमने की है ब्लाउज की कटिंग। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस तरह से हम अपने दूसरे पार्ट में भी निशान लगा लेंगे सारे। तो हमारे लग गए दूसरे पार्ट में भी निशान फटाफट से। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अपना अपना ख्याल रखिए।